हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो क्लास होने जा रहा है वो होने जा रहा है चेजर पर, क्योंकि इसका नया वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो आज हम लोग उस पर एक वीडियोस बना रहे हैं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो जस्ट ए मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियोस लेकर आया हूँ कि उन उस नए अपडेट के अंदर क्या कुछ नया आपको मिलने वाला है। तो जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं वो प्लीज लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे, और हमारे जो पिछले वीडियो हैं जो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहां मैं आ गया हूं अपनी होम स्क्रीन पे जो रेज्यूम की है, और रेज्यूम पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक यहां से सोर्स से लेकर मैं आपको सॉलिड कलर, क्योंकि सॉलिड कलर के अगर हम लोग काम करेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको चीजों समझने में बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो ये सॉलिड कलर आ गया। देन उसके बाद मैं जाता हूँ आउटपुट पे, एंड यहां पर एडवांस सेटिंग्स के अंदर मैं कुछ स्लाइस बना लेता हूँ, तो जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड डुप्लीकेट कंट्रोल डी, डुप्लीकेट लाइक दिस एंड डुप्लीकेट। ठीक है, तो मैंने चार साइड इस साइड से बना दी और डुप्लीकेट किया इनको जस्ट, और इसको मैं इस साइड में भी रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में मैं इनकी चार स्लाइस और बना लेता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और सेंटर में ले आते हैं, लुक लाइक दिस, डन। ठीक, तो मेरे पास टोटल इतनी स्लाइस हुई। इन स्लाइस को क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके सभी को सेलेक्ट किया, इनपुट में जाए एंड इनपुट में मैच आउटपुट शेप्स करें एंड सेव करें। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी जो भी प्लगइन्स वगैरह काम करते हैं वो सारे के सारे इनपुट मैप के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो जो हमारा चीजर है उस पर कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं चीजर के ओपन कर लेता हूँ इस टाइप से। तो मेरे पास ये जो स्लाइस बनाई थी चीजर में आ चुकी है फाइल में, अगर आपके पास नहीं आए तो यहाँ फाइल में जाए, न्यू कर ले। तो सबसे पहले तो ये चीजर में नजर डालते हैं, तो चीजर में क्या नया नया है। तो पहला चीज तो नहीं ये है कि यहाँ पर मैं, पहले क्या होते थे हमारे पास सीक्वेंस जो होते थे वो 16 ही होते थे, 16 होते थे, लेकिन अभी यहाँ पर अनलिमिटेड सीक्वेंस है। तो मैं एक सिंपल सा सीक्वेंस बनाता हूँ, जैसे ये बनाया, तो इसके अंदर क्या करता हूँ मैं एक नंबर पे ये चारों के चारों हाईलाइट करता हूँ कि चार मुझे स्टॉप चाहिए, राइट। दो नंबर पे जाता हूं तो मुझे ये वाले चारों चाहिए, राइट। और थ्री नंबर पे जाता हूं तो मेरे पास मुझे ये वाले तीन चाहिए। ठीक है, पहला तो आपके पास ये हो गया। सेकेंड, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक नया काम और ऐड किया है। देखिए, यहां से मैंने पहले पे फोर किया, दूसरे पे ये किया एंड थर्ड पे ये किया। अब मैं फोर्थ पे क्या करता हूँ, ये सी को रिपीट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा यहां पे रिपीट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा। मतलब आप इसको कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी करके फोर नंबर पे कंट्रोल वी कर दो, तो आपका जो पहले नंबर पे जो आपने सीक्वेंस डाला हुआ है वो आपका फोर नंबर पे भी आएगा। जैसे टू नंबर को मैंने किया कंट्रोल सी किया एंड इसको फाइव नंबर पे कर दिया, मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से मान लो थ्री नंबर के करूंगा तो थ्री नंबर को मैं क्या सिक्स नंबर कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके एंड सिक्स नंबर पे डाल के कंट्रोल वी कर दूंगा। तो इस टाइप से अभी इसको मैं आपको ऑन करके दिखाऊं, तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो ये देखे। ठीक है, सिक्स के हमें सभी के सभी नंबर नहीं बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपडेट है। नंबर दो पे आप आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। सेकंड, आप यहां से इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे देन आप सीक्वेंस टू में चले जाएंगे। तो सीक्वेंस टू के अंदर मैं उल्टा करता हूं कि यहां से मैं इसको एक नंबर क्लियर करता हूं देन उसको मैं कर देता हूं, उसके बाद दो नंबर पे मैं जाके इसको क्लियर करता हूं एंड थर्ड नंबर पे मैं जाके इसे बनाता हूं। ठीक है, आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तो जस्ट एक वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको एक सिंगल बना के दिखा रहा हूं। तो आप जितने भी सीक्वेंस यहाँ 16 16 के 16 हैं आप बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो
तो यहां तीन बनाए मैंने, इसको माइनस किया आपने इस टाइप से। यहां पर मैं कॉपी नहीं करके दिखा रहा आपको, ठीक है, सिंपल ये प्ले करते हैं तो ये आपका इस टाइप से प्ले हो गया। राइट, एक सीक्वेंस और बना लेते हैं चलिए, और यहां से क्या करते हैं, एक नंबर पे मैं ये सेंटर डालता हूं और दो नंबर पे मैं क्या करता हूं इसको एंड इसको, इन दोनों को दो नंबर पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं इसको माइनस कर देता हूं सिंपली, तो प्ले करके देखेंगे तो ये इस टाइप से आपका सीक्वेंस बन गया। राइट, तो पहले तो हमारे पास तीन सीक्वेंस यहां पर आ चुके हैं, तो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूं इसको बंद करता हूं और यहां रेजुलम में आते हैं। तो यहां रेजुलम के अंदर CHASER, ठीक है, चीज को सिलेक्ट किया, कंपोजिशन में गए एंड यहां पर ड्रॉप किया। तो जैसे ही ड्रॉप किया तो यहां देखिए सीक्वेंस वन, सीक्वेंस टू एंड सीक्वेंस थ्री, तीनों तीन सीक्वेंस हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। एंड यहां पर मास्क, स्केच एंड फिल की ऑप्शन है हमारे पास। तो सीक्वेंस वन हो गया, सीक्वेंस टू हो गया, और अब आपके सीक्वेंस वन के स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, बीपीएम सिंक करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यहां से तो आप वो पुराना ही है सब कुछ, जो स्पीड वगैरह कंट्रोल करना है ये सब कुछ करना है, ठीक है। मैम आप क्या करें, देखिए जैसे ही सीक्वेंस वन से आया तो आपके पास, जैसे ही सीक्वेंस टू प्रेस करते हैं तो आपके पास सीक्वेंस टू की वैल्यू सामने आ गई है कि आपका सीक्वेंस टू चलना शुरू हो गया है। जैसे ही आप करोगे थ्री तो आपका थ्री चलना शुरू हो जाएगा। राइट, तो सीक्वेंस वन, सीक्वेंस टू एंड थ्री इस टाइप से। ओके, आप इनकी स्पीड को अपने अकॉर्डिंग, हर सीक्वेंस की स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो भाई एक तो ये हो गया आपका मेजर जो है अपडेट्स, ठीक है। अब दूसरा अपडेट की बात करते हैं, मैं इसको कर देता हूं बंद। राइट, एंड यहां पर चीजें मेरे साथ साथ आपको कुछ गिफ्ट भी दिए हैं, जैसे गिफ्ट दिया है पहला गिफ्ट OUTLIN या आउटलाइनर, ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आउटलाइनर। अब मैं आउटलाइनर को, सॉरी यहां मैं आपको एक ही व्यू में बताऊंगा। तो देखिए अब यहां पर आउटलाइन थोड़ा सा मैं उस पे जाता हूं, आउटलाइन तो आपका शुरू हो गया यहां से, ठीक है, लेकिन मैं जाता हूं दोबारा चीजर पे क्योंकि आउटलाइन को मैं बहुत अच्छे से थोड़ा अगर समझा पाऊं तो। तो यहां सीक्वेंस तो आपके क्लियर है, उसके बाद आपके पास ऊपर जो है वो व्यू पॉइंट लिखा हुआ है, व्यू है ना, यहां पर व्यू है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग व्यू बना सकते हैं। जैसे जैसे कि जैसे मान लो आपका एक नंबर पे ऑल पे आया स्क्रीन वन पे, ठीक है, तो मैं चाहता हूं एक दो तीन और चार, ये चार नंबर स्लाइस ही है मेरी। तो मैं क्या करता हूं, इन चार को ही इसमें स्लाइस के अंदर चाहिए मुझे, बाकी सब को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। दस चार तो मेरे को चाहिए, सिक्स थ्री भी चाहिए, सेवन टू भी चाहिए, ट्वेल्व एंड एट। तो मेरे पास ये चार स्लाइस आ गई है, ओनली चार स्लाइस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन चार स्लाइस को ऑल पे कर दिया। अब मैं यहां क्या करता हूं, एक व्यू और बनाता हूं, यहां पर व्यू नंबर मेरा टू बन गया। तो टू नंबर पे क्या करता हूं मैं, ये जो ये वाली फोर है, फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ये इनको करते हैं, तो बाकी सब बंद करते हैं, इन सबको बंद करते हैं, इन सबको बंद करते हैं, ये वाली, ठीक है। तो मेरे पास ये चार स्लाइस फाइव सिक्स सेवन एट आ गए, राइट। तो इसको भी आप इसको बंद करिए, देन थर्ड नंबर पे आप आ जाइए और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं उल्टा करता हूं, यहां पर मैं मेरे पास नौ दस ग्यारह और बारह बचा हुआ है, तो नौ को छोड़ता हूं, ये भी सिर्फ नौ दस ग्यारह एंड बारह नंबर स्लाइस। तो मेरे पास ये टोटल चार स्लाइस ही बच गई है, ठीक है। तो चार अलग मैंने एक व्यू पे डाल दी, चार दूसरे व्यू पे डाल दी, चार तीसरे व्यू पे डाल दी, तो तीनों मेरी टोटल बारह स्लाइस हैं, वो अलग अलग व्यू पे आ गई। तो अब आते हैं रेजुलम में। अब देखो आप, अब यार जैसे ही मैंने इसके अंदर आउटलाइन पे काम किया तो आप क्या देखेंगे, देखो इसका मैं थोड़ा सा व्यू बड़ा कर देता हूं, आपको दिख भी जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहां पर मैं जो मेरा वो कहां चला गया भाई, कंपोजिशंस, ठीक है। तो मेरा जो आउटलाइन है यहां पर मैं लेके आता हूं इस टाइप से। आउटलाइन आने के बाद में मैं क्या करता हूं, अब देखिए ध्यान से, कि एक
मैंने आउटलाइन किया, इसको व्हाइट लाइन पे किया, और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक आउटलाइन और डाल देता हूं, और उसके बाद एक लाइन आउटलाइन और डाल देती हूँ। तो मैंने क्या किया, तीन आउटलाइंस डाल ली है यहाँ पर। तो पहली लाइन पे व्हाइट छोड़ दिया, सेकंड लाइन को मैं ओपन करता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहां से क्या करता हूँ। मैं इसके कलर को कुछ ग्रीन इस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर कर लिया मैंने, ओके ये हो गया। और ठीक है, दो आउटलाइन मेरे पास हो गई। यहां पर क्या करता हूँ, व्यू टू है और व्यू थ्री है मेरे पास। तो मेरे पास क्या है, आज तीन व्यू है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि मेरे पास तीन व्यू है, ओके। उसके बाद में क्या करना है, मैंने जो तीसरी आउटलाइन है, जो ये वाली आउटलाइन है, इसके ऊपर मैं व्यू टू नंबर डालता हूं ये वाला, एंड इसके कलर को मैं क्या करता हूं, कुछ पिंक कलर का कर दिया, राइट। एंड ये देखिए, तो अभी क्या है, मेरे पास तीनों कलर अलग अलग आ चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, तीनों कलर अलग अलग आ चुके हैं इस टाइप से। तो मैं इस कलर्स को, ये क्लिप हो भाई, यहां पर यहां से डाल देना, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि तीनों कलर अलग अलग आ चुके हैं। अब तीनों कलर पे क्या कर सकते हैं, हम लोग एनिमेट कर सकते हैं इसको, एनिमेट इस टाइप से। जैसे मैंने ये सबसे पहले पिंक वाले को एनिमेट किया, और इसके फेस को जाकर आप पीपीएम पे कर दो, एंड इसके बाद फेस पे किया, एंड इसके बाद इसके फ्रेम को भी आप पीपीएम पे कर दो। तो आपका जो एनिमेशन इस टाइप का बन गया। आप लेंथ वगैरह यहां से इसकी इसको सेट कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है, ये आपका बन गया। और ये आउटलाइन एक पे बना, देन आप चले जाएं दूसरी आउटलाइन पे, इस व्हाइट वाली पे, और इसको भी आप एनिमेट कर दे इस टाइप से। और एनिमेट के बाद आप इस फेस पे जाए, पीपीएम शुरू करें, एंड इसकी पेन की स्पीड को भी सिंक पे कर दे, ओके। तो ये आपका देखिए दोनों कलर अलग अलग बन गए हैं, लेफ्ट और राइट के दोनों बॉर्डर्स अलग अलग हो गए हैं। अभी इसके बाद में आप बात करते हैं इस सेंटर वाले की, तो इसको भी आप एनिमेट करेंगे, एनिमेट करें, एंड इसको भी आप यहां से बीपीएन सिंक, एंड इसको भी आप बीपीएन सिंक करें। तो ये देखिए कि अगर आप यहां पर कितने व्यू बना सकते हैं, इसके अलावा भी आप न्यू व्यू और बना सकते हैं। अगर आप जितनी आउटलाइन उसके ऊपर डालते जाएंगे तो उतने ही व्यू यहां पर आपके सामने से बनते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपके व्यू इसी टाइप से, इसका आप इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक अपडेट्स आया है यहाँ का। तो उसके बाद में इसमें अगर आप विजुअल्स वगैरह चलाना चाहें, वो तो एक नॉर्मल बात है, वो तो हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एक और है, ठीक है। तो आपका स्टॉप का भी आपको पता लग गया, जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको चीजर है, वो तो कैसे कैसे प्ले होता है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं एक बात और बात करता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे इसके बाद एक और आपको इसके अंदर ऐड किया गया है, वाइपर, ठीक है, WIPER वाइपर। तो ये कैसे काम करता है भाई, इसको देखो आप, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, आउटर लाइन को सबको एक बार बंद कर देता हूं, और यहां से मैं इफेक्ट इन सोर्स में सॉलिड कलर डाल लेता हूं यहां पर भाई, इस टाइप से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहां से आप देखेंगे, अगर मैं इस स्टेप को यहां से पीपीएम सिंक करता हूं, तो ये देख आप इस टाइप से देखिए, आपने तीन सीक्वेंस बनाए थे ऑलरेडी, तो आपके तीनों सीक्वेंस अलग अलग काम करेंगे, ये देखिए, ठीक। तो आप एक नया प्लगइन समझ लो, इफेक्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, आपने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको ऑड इवन कर सकते हो, ऑड इवन मतलब एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हो उसकी, कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है ये देखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन को शेप कर सकते हो,
स्पीड इसकी कंट्रोल कर सकते हो आप, कितना इसकी बढ़ाना चाहते हो, स्पीड कम करना चाहते हो या कैसे, ठीक है। हर सीक्वेंस की अलग अलग स्पीड कंट्रोल कर सकते हो इस टाइप से। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मतलब वाइपर का उन्होंने अच्छा वो दिया है, आउटलाइन दी है, तो ये भी आप एक यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और, ठीक है, इसके अंदर हम इसमें जो है चीजर में एक और चीज ऐड कर दी है जिसको कॉल करते हैं DLAYR, डी लेयर, ठीक है। DLAYR, डी लेयर, तो मैं इसको देखता हूं क्या करता है ये काम। अब मैंने क्या किया, वाइपर को कर दिया बंद और यहां पर मेरे पास डी लेयर आ गई है। अब यहां पर आप, मैं इसको नहीं प्ले करता, इसको मैं इसकी जगह से विजुअल्स प्ले करता हूं। अब देखिए तो डी लेयर का काम क्या है, डी लेयर का काम ये है कि देखिए अब आपके सामने इसको सीक्वेंस टू एंड सीक्वेंस थ्री, ये तो चलो ठीक है। उसके बाद में यहां पर आप डिले सेट कर सकती है कि आपको कितनी साइड पे डिले चाहिए। जैसे जैसे ही मैंने ये एक विजुअल से दूसरे विजुअल पे प्ले करता हूं तो आप कभी देखेंगे, तीसरे विजुअल पे भी करता हूं तो ऐसे डिले होकर आता है ये देखेंगे, ठीक है। तो आप ये बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला इफेक्ट डिले का, और आप इसको सेकेंड्स में भी कर सकते हैं और इसको आप पीपीएम के साथ भी कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने अगर मैं इसको फिल्म करता हूं तो हर जो आपका लेयर है उसके ऊपर सेम विजुअल्स प्ले हो जाएगा, और मास्क भी करता हूं तो पूरे का पूरा एक ही इमेज बन जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप जो है वो बीट्स के ऊपर अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और आपको आप देखिए ये देखिए तो आप इस अकॉर्डिंग ऐसे इस टाइप से विजुअल्स चेंज कर सकते हैं। तो ये रहे आपके जो है चीजर के कुछ अपडेट्स, और आपको होप अच्छा लगा होगा वीडियोस, और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है